गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता लग ही चुका होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो गाइज, आपको जैसा कि पता लग चुका है ना, तो चलिए चलते हैं। जय हो माता रानी। गाइज देखिए, मौसम चेक करिए, और तुम्हारा भाई इस मौसम में जा रहा है कैंपिंग के लिए पहाड़ों पर। तो हमें यहाँ से बस लेनी है, और बस पता नहीं कितने बजे आती है। टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं, तो देखते हैं बस आती है कि नहीं। तो सीधा मिलते हैं बस आने पर। तो गाइस, तुम्हारा भाई पहुँच चुका है सरसे चौक, और बस आने के इंतज़ार है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं जगसू को। बस तो मिली नहीं, लेकिन हमें लिफ्ट मिल चुके हैं यहाँ पर। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और हमने बैग लोड कर दिया, और निकलते हैं हम यहाँ से। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हमारे गाइड साहब अपना बोरिया बिस्तर ठीक करते हुए, और हमारे कुक साहब बर्तन सामान सामान देख रहे हैं, और ये क्लाइंट यहाँ पर है। और हमें यहाँ से जाता है ऊपर की ओर, और देख सकते हैं आप बर्तन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर जाके तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है। तो गाइस, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों देखो, हमारे किरनू भाई घोड़े पर सामान लोड कर रहे हैं, और यहाँ पर घोड़े लोड होंगे, उसके बाद निकलेंगे हम आगे की ओर। देख सकते हैं आप, मैं पट्टा पुट्टा लगा के रेडी हो चुका हूँ, और यहाँ पर ओले स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइस, ये देखिए मेरा सैंडविच जैम वाला। गाइस नेक्स्ट है किरण भाई, हसरा भाई। दोस्तों, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, हमारे किरण भाई आगे आगे चलते हुए। बारिश लग चुकी है गाइस, ये मेरा बरसाती है, और इसे लगाते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारे। तो हमारा बर्फ वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से देख सकते हैं आप, हमें यहीं पर बर्फ मिल रही है, और हम बर्फ में कैंपिंग करेंगे। चेक करो ज़रा, हम अभी ना नदी नाले पर ऊपर चल रहे हैं, बर्फ है, और मैं यहीं पर भी चल रहा हूँ। गाइज, आपने ना पहाड़ों में चढ़ते देखा होगा, लेकिन बर्फ में चढ़ते हुए नहीं देखा होगा घोड़े को। देखिए गाइज, बर्फ में घोड़े चढ़ते हुए, और यहाँ देखिए किरण भाई छाता लेके। अभी हम पहुँच चुके हैं इस जगह पे, और देख सकते हैं आप यहाँ पर खतरनाक बर्फ, और मैं हर जगह लम्बा पड़ता जा रहा हूँ। गाइज, तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, घोड़े की भी बैंड बच चुकी है, इनको खाने के लिए यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और क्या बताएं दोस्तों, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, घोड़ों की भी हालत ख़राब हो चुकी है गाइस, और हल्की हल्की बर्फ लगने शुरू हो चुकी है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारा टेंट लगना है, और देख सकते हैं आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देखो गाइस, हम बर्फ के बीच में हैं, और हम आज रात बर्फ के ऊपर रहने वाले हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, यहाँ पर ना घोड़े धस रहे हैं अंदर को, आधे आधे टांग जा रही है घोड़ों की। नहीं, मरने आ रहे हैं यहाँ पर बर्फ में। फेंको। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं तुम्हारा भाई बर्फ के ऊपर चल रहा है, और बर्फ भाई हर कुछ ही है। यहाँ देखो, कम से कम दो दो फुट। यहाँ देखिए गाइस, देखिए गाइस, गाइस हमने टेंट लगा दिया है, और आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पर फ्लोरिंग का काम चला है। गाइस, यहाँ पर टॉयलेट टेंट के लिए टॉयलेट बनाया जा रहा है, और हमारे मिस्त्री जी पूरी पूरी शेप देते हुए टॉयलेट की, और उन्होंने निकाल चुके हैं यहाँ से टॉयलेट के लिए गड्ढा, और वहाँ पर टेंट लग रहा है,
और चारों तरफ धुंधी धुंध, कोरा ही कोरा। गाइस ऐसा व्यू और साथ में चाय और साथ में यहाँ पर कुकिंग होती हुई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पत्थर ढूंढने, बर्तन ना बर्फ में नीचे को घुस रहे हैं सारे, तो हम अभी यहाँ पत्थर ढूंढ रहे हैं। चप्पल लगा के चले बंदे, में भी गर्मी का एहसास। गाइस व्यू चेक करें यहाँ से, तो गाइस हमने टेंट लगा चुके हैं, सभी टेंट आप देख सकते हैं, सभी टेंट लग गए हैं यहाँ पर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पानी लाने, और पानी लाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे आगे और वहाँ से पानी भर के लाएंगे। और ये अपना कैंप साइट एरिया। तो गाइस हम यहाँ पर पानी भरने आए हैं, धूप आ चुकी है और यहाँ के व्यू बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। पानी लाने की बहुत मुश्किल है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। देखिए गाइस, देखिए हमारे कुक का दिमाग ज़्यादा नहीं फूल। गाइस यहाँ पर हम पुलाव खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है, यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन अदरक, यहाँ पर पनीर मटर वहाँ पर हो रहे हैं तैयार। और गाइस आपने यहाँ पर कभी ऐसा देखा है, देखो नीचे ना बर्फ है, ठीक है, बर्फ पे चूल्हा टिका हुआ है, सब कुछ बाहर बर्फ गिर रही है। और यहाँ पर हमारे कुक साहब खाना बनाने की तैयारी पे। देखो गाइस क्या दिखा रहे हैं, देखो यहाँ हम बर्फ के ऊपर है गाइस, ग्लेशियर के ऊपर देख सकते हैं आप। तो गाइस मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, है ना, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के ना दो पार्ट कर दूँ, क्योंकि एक वीडियो ना बहुत लंबी पड़ जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो पे दो पार्ट करने वाला हूँ। तो आपको आज और कल का दिखाएंगे, उसके बाद परसों और चौथे के एक साथ दिखाएंगे। तो वहाँ पर देखिए क्लाइंट जा रहे हैं वहाँ से। गाइस शाम हो चुकी है और धूप जा चुकी है, अब यहाँ पर ठंड ना बहुत बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हमारे पापड़ तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर सूप रेडी हो रहा है, हमारे कुक साफ लगे हुए हैं। सो गाइस रात हो चुकी है और बर्फ स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप, देखिए बर्फ देखिए, और ये कितनी टिक रही है, अयो बर्फ 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 बर्फ। सो गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर हमारा बेड तैयार किया जा रहा है, और हमारे मिस्त्री जी यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ देखिए प्लास्टर किया जा रहा है, देखिए गाइस कितना मुश्किल है बर्फ में। और अभी हम यहाँ पर अपने आउटर झाड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ। हाँ जी आपका क्या एक्सपीरियंस है बताइए जरा। कोल्ड ब्रो, ओह माय गॉड, इन इंग्लिश। गाइस बेड तैयार हो चुका है हमारा, और ये हमारी बेड शीट लग रही है, देख सकते हैं इस तरह से हमारे मेहनती बंदे लगे हुए हैं। और बाहर -15 डिग्री टेम्परेचर है, अभी बर्फ रुक चुकी है, अभी तक बर्फ लगी हुई थी। सो गाइस अभी हम स्लीपिंग बैग में घुस चुके हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको सुबह। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पर सुबह परांठे बन रहे हैं। गाइस यहाँ पर परांठे बन रहे हैं हमारे, और बाहर धूप निकल चुकी है। हमारे गाइड साहब
सोए हैं बड़े ख्याल से और हम यहाँ पर बैठे हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और मौसम देख सकते हैं आप कितना ख़राब हो रहा है और अभी यहाँ पर क्लाइंट से और यहाँ पर ऊपर जाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर रात को ना बहुत बर्फ पड़ी थी जिससे यहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ से ना टेंट सारे दब गए थे और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बर्फ पड़ी है रातों रात। सो गाइस हम यहाँ पर टेंट टाइट कर रहे हैं क्योंकि रात को फिर से बर्फ़ पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टेंट टाइट किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कम से कम 2-2 फुट बर्फ़ है और टेम्परेचर -25 डिग्री और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से काम चला है ज़ोरों शोरों से। गाइस यहाँ पर फिर से बर्फ़ लग चुकी है, देख सकते हो आप यहाँ पर हमने बर्तन बर्तन रख दिया ढक के और यहाँ पर हमारे काफ़ी बर्तन गायब हो चुके हैं बर्फ़ के नीचे दब चुके हैं और आप देख सकते हैं फिर से बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है और आज का स्टे भी हमारा इधर का ही है। गाइस तो अभी ना लंच तैयार किया जा रहा है, लंच में हमारे पास दाल चावल बन रहे हैं और बर्फ़ लग चुकी है, अब हमें पानी लेने जाना है और वैसे बर्फ़ रुकती है तो हम चलते हैं पानी लाने की तरफ। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वॉकी टॉकी है जिससे हम अपने मैसेज पास करते हैं क्योंकि यहाँ पर ना सिग्नल नहीं होता है। हेलो हेलो माई टेस्टिंग। तो गाइस अभी ना यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये टेंट लगा रहे हैं बर्फ़ में और यहाँ पर बर्फ़ बहुत खतरनाक लग चुकी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी टेंट लगा रहे बंदे और हम अभी ना पानी लाने जा रहे हैं। गाइस अभी हम ना पानी लेने आ चुके हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं वापस उसी जगह पर पानी लेने और यहाँ पर बर्फ़ लगी हुई है, लाने की जगह बहुत दूर है और रास्ता बहुत ख़तरनाक हो चुका है, थोड़ी भी गलती और हम सीधा नीचे नाले में। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप हमारे कुक साहब ने किस तरह से यहाँ पर थाली सजाई है, यहाँ देखिए गाइस बाहर बर्फ़ लग रही है और यहाँ पर मूवी का मज़ा लिया जा रहा है। गाइस यहाँ पर हमें बहुत बर्फ़बारी लग चुकी है और खाने के राशन की कमी है और यहाँ हम भेज रहे हैं अपने स्पेशल सुपरमैन हीरो को, अच्छा ये जाएंगे फॉर्म मिलाएंगे और हमारे लिए राशन पानी की व्यवस्था करेंगे। हेलो गाइस देखिए आप देख सकते हैं यहाँ तुम्हारा भाई यहाँ पर रोटियाँ पका रहा है, रोटियाँ हमारा किरणु भाई बना रहा है, देख सकते हैं आप कितनी गोल गोल पतली पतली और यहाँ सारे शांत हो गए पता नहीं क्यों मेरे बोलने से शर्मा गए सारे। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर हम ना डिनर कर रहे थे और यहाँ देखिए किस तरह जम चुकी है हमारी प्लेटें और हमारे यहाँ देखिए हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि हम अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ना ही सरकार हमारी कोई मदद कर पा रही है, हेलीकॉप्टर भेजे कैसे कैसे रहेंगे कैसे क्या, सब जगह देखिए पानी पानी है, बर्फ ही बर्फ है, कोरा ही कोरा है, ना कुछ दिख रहा है, अब हम किससे बस दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पर हमारे लीडिंग गाइड जी से कुछ पूछ सकते हैं आप, क्या संपर्क हुआ उन पर, क्या क्या कोई संपर्क नहीं भाई, बहुत दिन मौसम खराब है, चुपचाप बैठे हैं। अच्छा फिर यहाँ देखिए थाली देखिए कैसे जम चुकी है, यहाँ पर सिलेंडर को हमने कपड़े मतलब बोरी में ढक के रखा है इसे ठंडा हो रहा है बहुत और हमारी गैस नहीं जल रही है और हमारा टेंट ना गिरने वाला है। सो गाइस अभी रात हो चुकी है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है, कितना हम हटा चुके हैं टेंट से, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर हर जगह ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ है।